हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सारा टेक कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है माउस क्या होता है। दोस्तों, हिंदी में हम जानकारी देंगे जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सको। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है माउस क्या होता है। कंप्यूटर माउस की हिंदी में जानकारी, माउस क्या है, व्हाट इज़ ए माउस। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स करके हम आपको बताते हैं कि माउस क्या होता है, जिससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी माउस के बारे में। वैसे नॉर्मली आप जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, तो माउस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। दोस्तों, ये जो माउस होता है एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट का मतलब होता है कि उस पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में जाता है। इसको नॉर्मली पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसका उपयोग खास तौर पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को सेलेक्ट करने, उस पर जाने तथा उन्हें खोलने और बंद करने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने माउस को मूव किया, किसी बटन पे गए, उस पर डबल क्लिक किया, ओपन हो गया, फिर क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से माउस का ये सब यूजेज हैं। आगे बताते हैं दोस्तों, माउस के द्वारा यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देता है। जैसे मान लीजिए हमें कुछ करना है, हमें कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है, हमें निर्देश देना है, तो माउस के थ्रू ही तो हम देते हैं। क्लिक करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। माउस इसके द्वारा यूज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुँच सकता है। जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती उस पर माउस के थ्रू ही हम कहीं पर रीच कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, कंप्यूटर माउस का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध में एक सैनिक थे, डगलस सी एंजल बर्ट। इन्होंने ही 1968 में माउस का आविष्कार किया था। ओके, और क्या क्वेश्चन है कि किसने आविष्कार किया था? डगलस सी एंजल बर्ट ने 1968 में माउस का आविष्कार किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। एक साधारण माउस में आमतौर पर तीन बटन होते हैं। वो तीनों बटन क्या होते हैं? पहला और दूसरा प्राइमरी बटन, जिसे लेफ्ट बटन कहते हैं, और सेकेंडरी बटन, जिसे राइट बटन कहते हैं। हम इन्हीं के नाम से इनको जानते हैं, और इनको आम भाषा में राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक कहते हैं। तीसरा बटन जो उस मिडिल में होता है, उसके हम स्क्रॉल व्हील या स्क्रॉल माउस बटन कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये था माउस, और माउस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर चलाना चाहते हैं आप, बिगनर्स हैं, तो माउस के बारे में ये जानकारी, ठीक है दोस्तों। आगे हम जो वीडियो लाएंगे माउस के जस्ट आगे की बातें बताएंगे, जैसे टाइप्स ऑफ माउस क्या होता है। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ओके, बाय।